नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया चैनल पे और मैं मनोज पंडित। आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के बारे में। जिस तरह से जियो ने अपने प्लान में वृद्धि किया है, उसी तरह से जियो, एयरटेल और वोडाफोन भी 3 दिसंबर को अपना प्लान चेंज करने वाले हैं। और जो यूएसी चार्ज जियो में लग रहा था, ठीक उसी तरह से एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया में भी लगेंगे 3 दिसंबर के 12 बजे रात से। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से प्लान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया में। चलिए विस्तार से देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कौन से प्लान में वृद्धि हुई है और आपके जेब से कितने रुपये खाली होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं स्किप मत कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ वोडाफोन और आइडिया की बात करें तो यहाँ पे वोडाफोन और आइडिया के प्लान में दोनों सेम तरह के प्रॉफिट हुई है, इसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए वोडाफोन और आइडिया के दोनों जो सेम प्लान है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। जो पहले 1699 रुपये का प्लान था, जो पूरे एक साल का मतलब 365 दिन के लिए प्लान था, उसमें बढ़ा करके 2399 रुपये कर दिया गया है और इसमें 41.2% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से 84 दिन वाले जो इसके प्लान थे, उसमें पहले 458 रुपये लग रहे थे, अब उसमें 599 रुपये आपको लगेंगे और इसमें 41% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगा और आपके जेब से 41% अधिक रुपये लगेंगे। और यहाँ पे हम बात करें 199 रुपये वाले जो प्लान था पहले, अब यहाँ पे 449 रुपये कर दिए गए हैं और इसमें कोई प्रतिशत, जो भी प्रतिशत वृद्धि हुई है वो आपके जेब से लगने वाले हैं। इसकी प्रतिशत आप निकाल के हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए यहाँ पे ये जो वोडाफोन और आइडिया का था और यहाँ पे हम एयरटेल का बात करते हैं। एयरटेल में भी वृद्धि हुई है और कौन कौन से प्लान में कितने वृद्धि हुई है, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। एयरटेल के एक साल वाले प्लान में जो पहले 1699 रुपये की जगह पे यह बढ़ा करके 2398 रुपये कर दिए गए हैं और इसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है, इसमें 50% की वृद्धि हुई है, 50.10% की वृद्धि हुई है। और जो एयरटेल के 82 दिन वाले अनलिमिटेड डेटा वाले जो प्लान थे, उसमें कितना वृद्धि हुआ है अब बात करेंगे। यहाँ पे जो 82 दिन वाले अनलिमिटेड डेटा वाले प्लान थे, वह पहले 499 रुपये लग रहे थे और अब आपके जेब से जो लगेंगे उसमें आपको 698 रुपये लगेंगे। और डेटा को जो अनलिमिटेड था, यहाँ पे आपको लिमिट देखने को मिलेगा और यहाँ पे 39.87% की वृद्धि हुई है। और अगले जो प्लान की जो 82 दिन की वैधता वाले प्लान था, वो जो 448 रुपये जो प्लान पहले था, अब उसे बढ़ा करके 598 रुपये कर दिया गया है और इसमें 33.48% की वृद्धि आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो पहले 82 दिन के लिए आपको प्लान दिए जा रहे थे, यहाँ पे 2 दिन बढ़ा करके आपको 84 दिन का प्लान कर दिया गया है। और जो 28 दिन वाले विभिन्न तरह के जो रिचार्जेज हैं एयरटेल पे, उसमें भी वृद्धि किया गया है, 14 रुपये से लेकर के 79 रुपये तक की वृद्धि की है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको हमने बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम वीडियो बनाते रहते हैं और जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो होते हैं हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।